13 देखा जाए, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, और ए से बीसी पर लंब डाला गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बीसी ज्ञात करना है। तो चलो मैं यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, यह एबीसी है, एबीसी, ठीक है, यह 13 सेंटीमीटर है, यह भी आपका 13 सेंटीमीटर है, देख रहा है ना, दिया हुआ है ए बी और ए सी 13-13 है, दोनों बराबर है, और ए से इस पर जो लंब खींचा जा रहा है ना, यह लंब 5 सेंटीमीटर दिया है, यह लंब कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको डी ले लेते हैं। तो हमें बी सी की लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो बी डी होगा ना, बी डी और सी डी, वह हाफ हो जाएगा बी सी का, है ना, हाफ हो जाएगा बी सी का। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी जो होगा ना, दो गुना होगा बी डी का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ त्रिभुज ए बी डी में, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इतना। चलिए, तो ए डी स्क्वायर या 5 का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में 169। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर बराबर, यह जाके उधर घट जाएगा ना, तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 144, यानी बी डी का वैल्यू स्क्वायर भी जाएगा रूट में, तो बी डी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बी डी आ गया, तो हमारे पास बी सी निकाला है ना जी, तो बी सी क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर है 2 बी डी के, यानी कि 2 गुना में 12 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 24 सेंटीमीटर बी डी की लंबाई। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको भारतीय भवन, एनसीईआरटी, केसीसी ना सबका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।